भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री रहे भंवरलाल शर्मा के निधन से प्रदेश के राजनीतिक जगत में शोक की लहर छा गई। इसी के तहत भंवरलाल शर्मा की पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए पार्टी मुख्यालय लाया गया, जहां भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी समेत सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पुष्प चक्र अर्पित किया, तो वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से सतीश पूनिया ने पुष्प चक्र अर्पित किए। वहीं इसके अलावा विधानसभा के मुख्य सचेतक महेश जोशी, कांग्रेस नेता महेश शर्मा और सहदेव शर्मा ने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की ओर से पुष्प चक्र अर्पित किया। पुष्पांजलि के बाद भंवरलाल शर्मा की पार्थिव देह का अंतिम संस्कार चांदपोल मोक्ष धाम में कर दिया गया। स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा जी, यूँ देखा जाए तो राजस्थान में राजनीति के पितृपुरुष जैसे हैं। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में जो संघर्ष हुआ, जो आंदोलन हुए और जिस तरीके की संगठन रचना हुई, उसमें उनका बड़ा योगदान था। या यूँ कहें कि आज की सत्ता की जो बुनियाद, जो मंजिल है, उसमें नींव और बुनियाद वही लोग थे। बड़ा अफसोस भी है और एक बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश की राजनीति को और भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, क्योंकि ये कोई कल्पना नहीं 95 बरस का व्यक्ति और पार्टी की हर गतिविधि में भाग ले। अभी भी उनका बड़प्पन देखिए कि हर हफ्ते या 15 दिन का नियम था कि वो हमें फ़ोन करके पार्टी के कामों के बारे में पूछते थे। जिया जो कि त्यों धरधीनी चदरिया, आज भंवरलाल जी शर्मा के इतने लंबे राजनीतिक जीवन के अंदर कोई ऐसा प्रसंग नहीं जो उनके जीवन मूल्य के विपरीत रहा हो। अनेक कार्यकर्ताओं को घटने वाला एक महामानव चला गया। मैं समझता हूं कि जयपुर ने राजस्थान की राजनीति के पर्याय बने, नए लोगों के लिए वो प्रेरणा के स्रोत थे, जीवन के अंतिम क्षणों तक वो सक्रिय थे। देश की घटनाओं, राजस्थान की घटनाएँ और सिद्धांतिक रूप से हमेशा लोगों को मजबूत करने का काम वो जीवन पर्यंत करते।